मतलब? ओहो, देखो तो बोलिए, क्या मतलब? सब मतलब समझाता हूँ मैं तुम्हें। अरे हम व्यापारी लोग जब ये सेल का पार्टियां लगाते हैं ना, तो उसके पीछे हमारा ही फायदा होता है। उस तरह तू मुझे ये फाफड़ा जलेबी खिलाने की कोशिश कर रही है, उसके पीछे तेरा क्या फायदा बता चल। पकड़े तो अब कितने होशियार हो, सब बात बिना कहे समझ जाते हो। वो मैं ये कह रही थी कि क्या है कि मुझे ना कॉकरोच कार्ड चाहिए। वो क्या होता है? वो प्लास्टिक का इतना लंबचौरस कार्ड होता है ना, और ऐसे करते हैं तो बिल चुकता हो जाता है। कॉकरोच कार्ड नहीं, उसको कैड्रिट कार्ड बोलते हैं। कैड्रिट कार्ड। नॉनसेंस, पूरा शर्ट बिगाड़ दिया। तो बदलो ना, बोला तो मुझे है ना, आपको तो सिर्फ बदलने की तकलीफ लेनी है। शर्ट नहीं, तुम्हें ही बदलने की जरूरत है। क्या कुछ नहीं, क्या देखना तुमको इसमें, क्या देखना, क्या इतना उत्साह से देखना दो, देखना दो। अरे सोडी भाई, रोज रोज थोड़ी ना छत पर चढ़ते हैं, हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं। अरे इधर क्या मदारी का खेल हो रहा है, हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए। नॉनसेंस। सुंदर को डांटा? हाँ, जरूरत पड़ने पर डांटना मेरा फर्ज है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है, बेटा लाड दुलार करने की जरूरत पड़े तो लाड दुलार करो, और अगर डांटने की जरूरत पड़े तो बेझिझक डांटो, फिर चाहे कोई भी हो। मतलब कल को अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो तुम मुझे भी डांटेगी? रघु भैया, मैं आपको कैसे डांट सकती हूँ, आपके लिए तो बापूजी है ना। तू दिखती है उतनी भोली है नहीं। बस बाबा बस, और कितनी तारीफ करेंगे मेरी, मैं तो कर नहीं जाना, जाइए जाइए। हाँ, और देखो सुंदर वीरा को वो पीला शर्ट पसंद हो तो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगी। हाँ अच्छा, हरा वाला शर्ट पसंद है तो वो भिजवा दूंगी, चिंता मत करना। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या पागल सांड ने चार लोगों को उड़ा दिया और उसके सामने सुंदर वीरा भी था? अच्छा क्या बात करती हो। अच्छा मैं भी बाद में फोन करती हूँ। अरे आपने सुना? सुना सुना, एक पागल सांड ने तेरे वीरा सुंदर को उड़ा दिया, बहुत अच्छा किया पागल सांड। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे सुंदर वीरा ने वो सांड के सिंह को पकड़ा, उसको गोल गोल समझ गए, दो पागल में से किसी एक पागल ने दूसरे पागल को उड़ा दिया, यही ना है? दया आज मेरे साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या? दादाजी का फोटो जो मैंने पर्स में रखा था, वो पर्स किसी पॉकेट मार ने मार ली। इतनी बड़ी चांदी की फ्रेम वाला फोटो इतने छोटे पर्स में आया कैसे? सुबह यहाँ से दुकान जाते वक्त पॉकेट मार ने पर्स मार ली। मम्मी, ओ ये घूंघट क्यों निकला हुआ है? अरे बापूजी, आजकल फाइन फूल की बीमारी फैली हुई है। हैं? मम्मी, फाइन फूल नहीं, स्वाइन फ्लू। हाँ हाँ वही तो, उसके खतरनाक जर्म्स चारों ओर हवा में फैले हुए हैं। मम्मी जेम्स नहीं, जर्म्स। हाँ हाँ बेटा वही तो। बापूजी हम सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते, तो मेरी माँ ने कहा है कि बेटा, ओ बेटा हो सके तो हवा के संपर्क से दूर रहना ही अच्छा है बेटा। हाँ हाँ बहू, लेकिन ऐसे घूंघट निकालने से थोड़ी हवा से बच सकते हैं। हाँ? अच्छा
सुबह या 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 करके डरा मत।